19-20 से अब इन्होंने इन्हीं तीनों मोड को लिख दिया है। जब इन तीनों मोड को लिख दिया है तो नाउ इट हैज बीन सेट पॉजिटिवली, पहले नेगेटिव लिखा हुआ था। तो लोग क्या करते थे 43 सीए के अंदर, लास्ट ईयर तक उन्होंने बोला कि पीपल कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी बुक करनी है, मैंने कोई सोने की गिनी दे दी, मैंने बोला भाई साहब सोने की गिनी दे दी, आपने कैश को मना किया था, बाकी कोई और मोड तो मना किया ही नहीं था, तो इसलिए उसको कवर अप करने के लिए इन तीनों को कवर कर दिया है। इसका मतलब कोई मैं इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर आपको पेमेंट करूंगा बुक एंट्री या फिर कोई जर्नल एंट्री पास कर लूंगा, सो वहां पे भी 2020 हिट करेगा, बट आपको कॉम्प्लायंस करना है, रिपोर्ट करना है। क्या लेकिन पेनल्टी लग पाएगी? सर यहां पे पेनल्टी नहीं लग पाएगी, क्यों? क्योंकि 271DA टॉक्स अबाउट सम, और जब जब सम आता है इट इज टॉक अबाउट सम ऑफ मनी। तो ऐसे केस में सर आपकी टेक्निकल वायोलेशन तो हो गया 2020 का, बट सर आपके केस के अंदर सर पेनल्टी नहीं लग पाएगी। इस केस में सर टू एसएस के रिलेशन में भी दो तीन जजमेंट्स है, वो अगर आप जजमेंट बोले तो मैं आपको जजमेंट लिखवा देता हूं, सेम टू एसएस की बात करता है। वो जजमेंट कुछ ऐसी है, सीआईटी वर्सेस वर्ल्ड वाइड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2014 की है, 367 ITR 455 दिल्ली। देन देयर वाज कल्चरल मिनरल फ्लोर बिल्स वर्सेस एडिशनल सीआईटी 2015 की जजमेंट है, 590 ITR 50 आंध्र प्रदेश। उसके बाद है सनफ्लावर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी सीआईटी 1997 की जजमेंट है, 61 ITD पुणे 227। सर व्हाट दे वांट टू से, ये तीनों बोलते हैं कि सर बेसिकली सर तुमने एसएस या तुमने टी या फिर तुमने अगर आप एसटी को भी पढ़े वो बोल रहे हैं ब्लैक मनी घूम रही है, वो ब्लैक मनी को कर्व करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर आपके केस के अंदर मनी करेंसी इज नॉट इन्वॉल्व, मनी इज नॉट इन्वॉल्व, ऐसे केस में वो बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी तभी लगेगी जब आपकी करेंसी इन्वॉल्व होगी, राइट। अगला क्वेश्चन, आई बिलीव मैंने कोशिश करके सारे एग्जांपल समझा दिए, अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन लेट अस कोरिलेट विद, अब आगे बात करते हैं। वो बोलता है कि क्या, कुछ लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा वेदर सेक्शन 2020 विल बी एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन ऑफ विच इज कवर्ड इन 2020 एसएस। सर जैसे मैंने आप बताया कि सर ऑलरेडी उसमें लिख दिया है कि ये ट्रांजेक्शन कहां का कवर नहीं होगी, कॉमेंट सर बैंक्स, सर कोऑपरेटिव बैंक्स, सर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन 2020 एसएस के अंदर हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो अगर मान लीजिए क्या ये 2020 के लिए भी सेम एप्लीकेबल है? सर सॉरी, सर 2020 के लिए कोई भी सर ऐसा एग्जम्पशन नहीं दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, जब आप रिपेमेंट करोगे तो ऐसे केस में 2020 तो लगेगा आप पे, पर जो रिसीव करेगा उस पर 2020 एसटी भी लग सकता है। क्लियर सर? अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि भाई साहब क्या आपके पास लोन्स एडवांसेस, मान लीजिए कोई सम रिसीव करता है फ्रॉम बाय गवर्नमेंट कंपनी और एनी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल एक्ट, क्या ये जो गवर्नमेंट कंपनी है या स्टेट प्रोविजनल एक्ट के हिसाब से कंपनी है, क्या उनको एग्जम्पशन है? सर यहां पे अभी एग्जम्पशन नहीं दी है, जस्ट उन्होंने एसएस में दी हुई है, उसने टी में दी हुई है, पर द सेम एग्जम्पशन वाज नॉट गिवन टू देम। तो आई बिलीव जो थर्ड पॉइंट है जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो मुझे लगता है उस केस में इन्होंने इनको कवर ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं मेजरली, दे टॉक अबाउट कि क्या 271DA डिग्स यू पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 2020 एसटी, और 271D बात करता है कि जो बात करता है एसएस, और 271E की बात करता है जो बात करता है उसने टी की, दोनों में क्या फर्क है? और कुछ एग्जांपल देके बताएं कि जहां पे जैसे आपने हमने समझाया कि जहां पे 271 लग जाएगा और टू, लेकिन 271DA मतलब डी का वॉल्यूशन है, क्या एक का वॉल्यूशन अगर रीजन बिलीव की ज्यादा ठीक हो गया तो क्या दूसरे में पेनल्टी भी नहीं लगेगी? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, तो 271SS और 271T इसे पेनल्टी लग रही है 271D और 271E में रिस्पेक्टिवली, और उसको कोरिलेट कर रहे हैं साथ के साथ रेट करते हैं हम 273B, और 273 बोलता है जहां पे रीजनेबल आपके पास कॉज है वहां पे पेनल्टी नहीं लगेगी, बट जहां पे हम 271DA की बात कर रहे हैं सर वहां पे 273B का कोई रोल नहीं है। 271DA क्या बोलता है? गुड एंड सफिशिएंट कॉज। सर जब गुड एंड सफिशिएंट कॉज बोलता है और रीजनेबल कॉज, सर गुड एंड सफिशिएंट कॉज इज मोर ग्रेवर, इसमें आपको ज्यादा ओनर्स इज मोर ऑन यू टू प्रूव इट कि गुड एंड सफिशिएंट कॉज है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कुछ पेमेंट लेने के लिए उसी कंपनी की बंदूक रखी, बोले भाई इतनी पेमेंट दे, उसे बंदूक रखी तो उसने उतने पैसे उसको दे दिए, मान लीजिए उसने टी गई, उसने रिपेमेंट कर दी,
तो ऐसे केस में जो जो रिपेमेंट कर रहा है वो बोलेगा भाई साहब रीजनेबल कॉस्ट था, नहीं तो ये मेरी गोली मार देता। बट अगर उसका रीजनेबल कॉस्ट था तो क्या ये गुड सबमिशन कॉस्ट है जो व्यक्ति पेमेंट रिसीव कर रहा है जिसने कंपनी ने मंजूर की, कि भाई साहब ये उसके लिए गुड सबमिशन कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज इलीगल इमोरल कि आप किसी पे कंट्री बंदूक रख के आप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सर टू आपका गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट नहीं लगेगा। सर सामने वाला का रीजनेबल कॉस्ट हो जाएगा पर आपका गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट नहीं होगा। लास्ट, कई बार एक कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट आई है विच आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस प्राइमरी ऑन दिस। सर उस केस जजमेंट में क्या हुआ हैपेंड कि उसके अंदर क्या हुआ है, उस जजमेंट में उन्होंने 40A3 के लिए उन्होंने डिस्कस ये किया है कि भैया पेनल्टी किस पे लगनी चाहिए। तो 40A3 के लिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ एडिशनल अमाउंट जो 20,000 से ऊपर है या 10,000 से ऊपर उस पे लगनी चाहिए। आई बेग टू डिफर विद कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट, और लोग बोलते हैं शायद उसने एसटी पे भी लग जाएगा, बट आई बेग टू डिफर विद दैट। आई बिलीव हमारा ट्रेडिशनल हाई कोर्ट और बहुत सारे जजमेंट ऐसी हैं शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाउ द एक्ट वाज चेंज, अब पेनल्टी पूरे पे लगेगी। स्टिल यू कैन ऑलवेज टेक दिस बाय दिस पॉइंट। अब लेट अस कम टू कि भैया जो आपने रिपोर्टिंग करनी है सर, अब रिपोर्टिंग में दिक्कत दिक्कत क्या है, व्हाट दे डिड इज इन्होंने चार चार तीन या चार पैराग्राफ बनाए हैं, एक अकाउंट पे चेक, एक बार ड्राफ्ट का बनाया फिर दूसरा बनाया। अब हुआ क्या है, ये नॉट ओनली रिसीविंग, ये पेमेंट के बारे में चाह रहे हैं। सर टारगेट क्या है, सर अगर आपने रिसीव किया यस स्टूडेंट एसटी का वॉल्यूशन है वो आपको रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट चाहे मैंने आपको बताया चाहे टेक्निकल वॉल्यूशन है 271D में पेनल्टी लगी लगी, वो आप गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट जब असेसमेंट होगी तब आप कर पाएंगे, बट आपको सर रिपोर्टिंग करनी है। सर पेमेंट से क्या दिक्कत आएगी, सर पेमेंट का अगर टारगेट क्या है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए आपने मुझे कुछ पेमेंट दी पर मैंने रिपोर्ट नहीं करी किसी वजह से, ऐसे केस के अंदर अगर मैंने रिपोर्ट नहीं करी पर आपने पेमेंट करते हुए आपने रिपोर्ट कर दी, सर वो मेरे पैन नंबर से मैच करेंगे और मुझे पकड़ेंगे कि नितिन जी आपने रिपोर्ट नहीं की, उनको तो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट दी है। दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैंने पेमेंट करी और मैं रिपोर्ट कर रहा हूं पर साथ के साथ अगर मान लीजिए 40A3 का भी वॉल्यूशन हो रहा है, मैं उसमें डिसअनाउंस नहीं कर रहा या उसमें नहीं रिपोर्ट कर रहा, या फिर मान लीजिए जहां पे मैंने कोई एसेट लिया है डेप्रिशिएबल एसेट लिया है 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर दी है क्योंकि यहां पे 2 लाख से ऊपर है, तो ऐसे केस में जो मैं सेक्शन बोल रहा है अब कि अगर आप 10,000 से ऊपर करते हो तो जो ओवर एंड अबव पेमेंट है 10,000 वो आपको फॉरगो करनी पड़ेगी, उसमें डेप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या मैंने वो चीज फिक्सेशन में डाली है, अगर वो नहीं डाली है तो सर आपको क्रॉस चेक भी करना है, अगर ऐसा ना हो कि आप यहां पे तो रिपोर्ट कर दो पर वहां पे रिपोर्ट करना बंद कर दो, बाद में 271J का पेनल्टी आए कोई नोटिस आए तो आप बोलो भाई साहब क्या बात कर रहे हो, रिपोर्ट तो मैंने पूरी करी है। सर सर रिपोर्ट का क्या मतलब है, रिपोर्ट का मतलब अगर आपने यहां पर रिपोर्ट किया है क्या उसका आफ्टर इफेक्ट दूसरे किसी सेक्शन में पड़ रहा है, अगर सेक्शन में हो रहा है तो वहां पर भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। आई बिलीव तुझने एसटी इज कंप्लीट, लेट मी कम टू तुझने एसएस। अगर मैं तुझने एसएस की बात करूं सर, तुझने एसएस के अंदर बेसिकली सर ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें लगेंगी, इसमें बेसिकली जो इश्यू सेक्शन स्टार्ट होता है वो बोलता है नो पर्सन शेल एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन एनी अदर पर्सन किसमें एनी लोन एनी डिपॉजिट और एनी स्पेशल सम। सर स्पेशल सम कभी 2 साल 2015 से आया था, स्पेशल सम क्यों आया, लोगों ने क्या किया सर प्रॉपर्टी इमोर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने सर कुछ एडवांस लेना शुरू कर दिया और वो भी कैश के अंदर। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि भाई कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में लेते हो मोर देन 20,000 रुपीज चाहे इमोबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट और चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, तो अगर 20,000 से ऊपर है सर तुम्हें एसेस का वॉयलेशन है, आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ के साथ उन्होंने क्या किया, लोन और डिपॉजिट में फॉर मनी की बात कर दी और तुम एसेस के अंदर एक एक्सेप्शन डाल दिया। एक्सेप्शन में क्या डाला कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरिस्ट, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर मैं इनकम कमाता हूं आप भी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, और मान लीजिए आपसे मैं कोई पेमेंट लेता हूं कोई पैसे लेता हूं और लोन के रूप में, तो ऐसे केस में ये इसमें कवर नहीं होगा। बट एक कंडीशन है कि ना मेरी इनकम ना आपकी इनकम दोनों की इनकम सम चार्जेबल टैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई और अदर इनकम एग्रीकल्चर से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो सम चार्जेबल टैक्स 2.5 लाख से ऊपर मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका अमाउंट ज्यादा हो सकता है। अब ऐसे केस में मान लीजिए मैं भी एग्रीकल्चर हूं आप भी एग्रीकल्चर हो और मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम भी है 4 लाख रुपए की पर आपने मुझे नहीं बताई और ऐसे केस में आपने मुझे लोन दे दिया, अब यहां पे तो दोनों ही कंडीशन सेट होनी चाहिए, क्या 271D में पेनल्टी लग पाएगी? सर मुझे एक बात बताइए, सर जिससे आप उधार ले रहे हो क्या आप उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब कि आपकी कोई और इनकम नहीं है? सर अगर एज अ प्रूडेंट पर्सन मुझे लगता है इसके बाद एग्रीकल्चर के अलावा कोई इनकम नहीं है
या फिर मान लीजिए से बैंक इंटरेस्ट भी आ रहा है 4 लाख रुपए का, को मुझे बैंक कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा नहीं, तो ऐसे केस में टू माय माइंड 271D रेड विद 273B सर रीजनेबल कॉज है सर, पेनल्टी नहीं लग पाएगी। 273 के अंदर अगर हम बात करें 273 के अंदर सर, यहां पे सर एक इशू बहुत बड़ा है सर, नॉन कॉर्पोरेट डिसीज, इसमें दो जगह डिफरेंशिएट किया है, नॉन कॉर्पोरेट डिसीज में काइंड्स भी कवर किए हुए इन्होंने। मान लीजिए मैंने आपको से 50,000 रुपए देने, मैंने आपको एक को प्रॉपर्टी दे दी अदर देन, क्योंकि तीन मोड ही है इसमें भी, तीन मोड है, तो काइंड्स भी कवर्ड है। कॉर्पोरेट डिसीज में सिर्फ आपने सम पेबल की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में प्लीज ध्यान रखिए नॉन कॉर्पोरेट डिसीज के अंदर सर काइंड्स कवर्ड है सर, ऐसे केस में प्लीज ध्यान दे कि भैया कोई काइंड में रिपेमेंट तो नहीं हो रही है, तो अगर काइंड में रिपेमेंट हो रही है तो सर ऐसे केस में क्या होगा सर आपका सर, सर वॉल्यूशन होगा सर, पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी वो ऑलरेडी हमने टू ना एस्टीमेट डिस्कस कर लिया है। विद दिस आई बिलीव आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल 270, 270SS एंड 270 विद ऑल एग्जांपल्स, और अगर आपको लगता है कि इस डेलिब्रेशन में कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज मुझे SMS करें, माय नंबर इज 9810387163। मैं रिपीट कर देता हूँ 98103-87163, और मेरा ईमेल आईडी है nitinkanwar@globalca.in, nitinkanwar@globalca.in, और अगर आपको लगे किसी और पॉइंट पे हमें और डिस्कस करना है तो प्लीज हमें प्लीज बताएं, और कोई पॉइंट हमसे छूटता है, कुछ और हमें इंप्रूवमेंट करनी होता है तो प्लीज बताएं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।